नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट जेट पर आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, इसे तो हम सब जानते ही हैं, कद्दू है और इसके फूल से हम ये रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए, कद्दू के फूल से बनी हुई है ये रेसिपी और बहुत ही टेस्टी है ये। तो सबसे पहले हमने ये देखिए यहाँ पर फूल को साफ कर लिया है, अच्छे से धो लिया है, इसमें कीड़े वगैरह जो भी हैं सब सफाई कर लिए हैं। इस तरह से हम अच्छे से धो लेंगे इसे। और अब एक बोल में हम एक कटोरी बेसन लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, अब डालेंगे हम जीरा और नमक। अब इन सब का हम अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जैसे कि पकोड़े के लिए हम पेस्ट तैयार करते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा जो घोल है, बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने ये देखिए तवा बैठा दिया है, गर्म हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे तेल और इस घोल में हम जो कद्दू के ये जो फूल हैं इन्हें इस तरह से डिप कर देंगे। ये देखिए, और अब इसे हम तवे पर डाल देंगे इस तरह से। अब जो दूसरा फूल है उसे भी हम डाल देंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे ऊपर से। इन्हें हम बीच बीच में इस तरह से अलट पलट करते जाएंगे और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम तल लेंगे। ये देखिए, अब हमारी जो फूल की पंखुड़ियों से जो बना है वो अब पंखुड़ियाँ तैयार हो गई हैं पक के। ये देखिए इस तरह से बनेगा ये। और दूसरे जो पेटल्स हैं उन्हें भी हम डाल देते हैं। अब फूल है उसे भी हम डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही जल्दी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए, अभी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और चलिए अब हम सर्व कर लेंगे इसको, है ना। ये देखिए, चटनी सॉस जिसके साथ भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।